हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ फिर से अगर आप सभी का आपके अपने चैनल एम ज्ञान हिंदी में। दोस्तों, इससे पहले कि आज की वीडियो में आगे बढ़ूँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि आपको इस चैनल पर ट्रेन से जुड़ी हर इन्फॉर्मेशन और इंडियन रेलवे से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट की इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलती रहेगी। दोस्तों, आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें और ट्रेन से जुड़ी किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप चाहो तो इंस्टाग्राम पर मैसेज कर पूछ सकते हो। दोस्तों, आप ट्विटर पर भी फॉलो कर लें और इनके अलावा मेरा और एक चैनल है इंडियन ब्लॉगर एम कुमार, आप चाहो तो उन्हें भी विजिट कर सकते हो, जिन पे मैं अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाता हूँ, लिंक नीचे है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इंडियन रेलवे अपने रिजर्वेशन चार्ट में बहुत बड़ा बदलाव 10 तारीख से करने जा रही थी, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अब फाइनल चार्ट ट्रेन के 30 मिनट पहले भी बनेगी, यानी कि ट्रेन के खुलने से 30 मिनट पहले भी पहले फाइनल चार्ट बनकर तैयार होगी। तो दोस्तों, इस दौरान यात्री चाहे तो 30 मिनट पहले तक अपना टिकट कैंसिल भी करवा सकती है और 30 मिनट पहले तक अपना ट्रेन टिकट बनवा भी सकती है। और दोस्तों, यहाँ तक की खबर ये आ रही है कि दोस्तों, अब आप 30 मिनट से लेकर के 5 मिनट पहले तक भी आप चाहें तो अपना टिकट कैंसिल करवा सकते हैं और ट्रेन खुलने के 30 मिनट से लेकर 5 मिनट पहले तक अपना टिकट बुक भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ये थी तो आज की अपडेट। तो दोस्तों, आज से जो ये अपडेट 10 तारीख आज से लागू हो चुकी है ये अपडेट, अब ट्रेन की चार्ट ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले ही बनेगी और 30 मिनट से 5 मिनट पहले तक यात्री चाहे तो अपना टिकट कैंसिल भी करवा सकते हैं और चाहे तो अपना टिकट 30 मिनट से 5 मिनट पहले तक टिकट बनवा भी सकते हैं। तो दोस्तों, इस पहल में, रेलवे की इस पहल में आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर आपकी कोई राय हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो भी हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नए अपडेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।